न्यू हॉलैंड 3630 DX प्लस स्पेशल एडिशन वर्सेस जॉन डियर 5310 CRDI 55 हॉर्स पावर कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली दोनों ही ट्रैक्टर हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों ही ट्रैक्टरों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आप सभी का किसान मित्र आरजी मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, शुरुआत में बात करते हैं बेसिक फीचर की, तो बात करते हैं स्टीयरिंग के साथ। तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको डबल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा। न्यू हॉलैंड में आपको सिंगल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग भी मिलता है, ऑप्शनल है, आप जौन सा भी लेना चाहें ले सकते हैं। साथ ही आपको फ्रंट एक्सल दोनों ही ट्रैक्टरों में एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगा, जो कि न्यू हॉलैंड में लगभग 10 टन के भार को झेल सकता है और जॉन डियर में लगभग 11 टन के भार को आसानी से झेल सकता है। वहीं अगर बात करते हैं टायर साइज के बारे में, तो किसान भाइयों हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन में आपको आगे के टायर 750 16 के और पिछला टायर है जो वो 16928 वाला बड़ा टायर देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर बात करते हैं हम जॉन डियर के बारे में, तो जॉन डियर में आपको आगे वाला टायर 6520 का और पिछला टायर 16928 का देखने को मिल जाता है। साथ ही दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको डबल क्लच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जॉन डियर में आपको सस्पेंडल पेडल के साथ, जबकि न्यू हॉलैंड 3630 में आपको पुश टाइप पेडल के साथ डबल क्लच का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 12 इंच का इंजन क्लच और 11 इंच का PTU क्लच देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं ब्रेक के बारे में, तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको ऑयल मेस्ड मल्टी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। न्यू हॉलैंड के ब्रेक आपको रिपेयर करवाने पड़ेंगे, जबकि जॉन डियर में जॉन डियर के वर्ल्ड फेमस ब्रेक मिलते हैं जो कि ऑटो एडजस्टेबल हैं, इन्हें रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको ड्राई टाइप ड्यूअल एलिमेंट वाले एयर फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों के हम इंजनों के बारे में। तो जॉन डियर 3310 CRDI में आपको जॉन डियर कंपनी का 3029T सीरीज वाला 3 सिलेंडर 2900cc का वर्टिकल इनलाइन लिक्विड कूल डार्ट इंजेक्शन 4 स्ट्रोक वाला CRDI इंजन मिलता है, जो कि टर्बो चार्ज विथ टर्बो इंटरकूलर के साथ आता है और 2100 RPM पर आपको 55 हॉर्स पावर की ताकत और लगभग 240 Nm का टॉर्क प्रदान कर देता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर आपको लगभग 42% तक का बैकअप टॉर्क लगा देता है। 4 स्ट्रोक के बारे में बात करें, तो इसमें 106 का बोर और 110 का स्ट्रोक आपको देखने को मिलेगा। वहीं 270 ग्राम प्रति किलोवाट की आपको SFC जॉन डियर 3310 CRDI में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन के बारे में, तो इसमें आपको एबेको इंजन मिलता है जो कि 3 सिलेंडर 2931cc का है, वर्टिकल इनलाइन लिक्विड कूल डार्ट इंजेक्शन 4 स्ट्रोक वाला टर्बो चार्ज विथ टर्बो इंटरकूलर इंजन है, जो कि 2300 RPM पर लगभग 55 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करता है और लगभग आपको 215 से 230 Nm का टॉर्क देता है। वहीं आवश्यकता पड़ने पर 26% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। बोर स्ट्रोक के बारे में बात करें, तो इसमें आपको 104 का बोर और 115 का स्ट्रोक देखने को मिलेगा। वहीं 270 ग्राम प्रति किलोवाट या 198 ग्राम प्रति HP की इस ट्रैक्टर में आपको SFC देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर हम इंजन के बारे में बात करें, तो जॉन डियर 3310 CRDI ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ आता है न्यू हॉलैंड 3630 से और लोएस्ट RPM के साथ आता है, जिससे इंजन के पार्ट की घिसाई कम होगी और CRDI इंजन होने के कारण इसकी फ्यूल खपत भी न्यू हॉलैंड 3630 से थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। वहीं अगर बात करें ट्रांसमिशन के बारे में, तो जॉन डियर 3310 CRDI में आपको फुल्ली कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स मिलता है, जिसमें 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से ट्रैक्टर को आप आगे की तरफ लगभग 1.5 किलोमीटर से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और पीछे की तरफ 1.5 किलोमीटर से लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं। वहीं न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन में भी आपको फुल्ली कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर मिलते हैं, जिसमें आपको आगे की तरफ 1.5 किलोमीटर से 34 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और पीछे की तरफ 1.5 किलोमीटर से लगाकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं PTU के बारे में, तो 3310 में आपको 50.3 हॉर्स पावर की रिवर्स फॉरवर्ड और 540 इकोनॉमी PTU का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहीं न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन में आपको 51 हॉर्स पावर की रिवर्स फॉरवर्ड और 540 स्टैंडर्ड RPM के साथ 540 इकोनॉमी का PTU का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन में आपको एक पावरफुल PTU का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं हाइड्रोलिक के बारे में, तो जॉन डियर 3310 CRDI यदि आप सिर्फ गियर प्रो वाला मॉडल लेते हैं, तो उसमें आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी और यदि लिफ्ट प्रो वाला मॉडल लेते हैं, तो उसमें आपको 3000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी।
बाकी 3 पॉइंट लिंकेज वाली ADDC टाइप की आपको हाइड्रोलिक देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया सेंसिंग करेगी खेती के सभी कामों में। और न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन में आपको 2500 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली ADDC टाइप की हाइड्रोलिक मिल जाती है। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो जोंडिया 3510 CRDI 980,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस पर आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन आपको 800,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस पर देखने को मिलता है, और 5 वर्ष या 5000 घंटे की वारंटी दोनों ही ट्रैक्टरों पर कंपनी की से आती है। तो किसान भाइयों, ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो जोंडियर 3510 CRDI को न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन काफ़ी बढ़िया तरीके से टक्कर देता है बिना CRDI इंजन के साथ भी, परंतु जोंडियर 3510 थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंस होगा न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन से, जिस कारण से न्यू हॉलैंड थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। बाकी सब आपके ऊपर है कि आपको इन दोनों ही ट्रैक्टरों में से कौन सा ट्रैक्टर पसंद है। तो वीडियो पर लाइक के लिए फिर नहीं बोलूँगा, उम्मीद है आप सभी लाइक कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।